पहले तो एक छोटे शहर से कोई बंदा आता है मुंबई में विदाउट एनी गॉडफादर, मॉडलिंग की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में, और अब प्रोड्यूसर के तौर पे डेब्यू कर रहा है। वैसे आप इमोशंस कम निकालते हो, क्या वो जर्नी याद करके कुछ इमोशंस आपके जमवालियंस जो इतना प्यार करते हैं आपको, वो बैठे हैं कुछ अपनी जर्नी के बारे में, आज जो इस लेवल पे पहुंचे हो, इस मुकाम पर, उसके बारे में कुछ बात करना चाहोगे? मैंने शुरुआत में बोला था, सो एवरीबडी हू इज़ हियर जमवालियंस, मैं बताना चाहता हूँ हिंदुस्तान के हर कोने से आए हैं, एक आज फ्रॉम भुवनेश्वर, फ्रॉम कलकत्ता, फ्रॉम गोवा, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, और ये वो लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ और हर बार आते हैं। मुझे लगता है कि इतने तो मेरे जो नज़दीकी परिवार वाले हैं वो भी नहीं आते हैं। सो थैंक यू गाइज, आज मैं इनको देख रहा था, हम लोग सब गाड़ियों में भरे हुए थे, तपती गर्मी में वेट कर रहे थे कि मीडिया आएगी तो हमें जाना है, बट द एक्साइटमेंट वाज सो मच, आई वाज एंजॉयिंग देम जस्ट बीइंग अराउंड, सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जैसे आपको मैंने बोला हुआ है, एक्शन हीरो फिल्म्स में एडिटिंग, सिनेमाटोग्राफी, कोई भी टैलेंट, खाना पीना, आइए अप्लाई करिए, अपनी कंपनी है, फुल नेपोटिज्म करेंगे। आई कमांड कमांडो में अपनी बंदी बचा रहे थे, कमांडो 2 में ब्लैक मनी से देश को बचा रहे थे, फिर कमांडो 3 में टेरर अटैक से, सनक में हॉस्टेजेस को बचा रहे थे, अब IV-71 में फिर देश को बचा रहे हो। ऐसा एक्शन हीरो आप बन गए हो जो देश को, अपने लोगों को, हर किसी को बचा ही रहे। क्या कुछ करेगा मेरे भाई, किस किस को बचाने वाले हो? मेरे फादर आर्मी में थे, उनके फादर अभी आर्मी में थे, वो भी यही कर रहे थे, बचा ही रहे थे किसी को, क्योंकि जिनकी नीतें खराब हो रही थी उनको बचा रहे थे। सो आई थिंक ये जीन्स में है, किस्मत में भी है, और अगर आगे भी करता रहा तो सही रहेगा। आगे देखो, आपके सामने अमित फ्रॉम दैनिक भास्कर, विशाल आपको भी खतरनाक हो, थैंक यू, हमेशा पसंद हो, थैंक यू दिलीप सर, आपको भी बहुत बहुत मुबारक, आपके बहुत धन्यवाद आपका। अरे अभी हाल में बुनियाद देख रहा था बीच में यूट्यूब पे, बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने कहा ना खतरनाक है। विद्युत, एज अ प्रोड्यूसर क्या कुछ प्रोड्यूसर का दर्द महसूस हुआ? दरअसल प्रोड्यूसर बनते वक्त मैंने एक चीज सोची थी, मेरे एक्सपीरियंस में, वेदर आई वर्क इन द साउथ और इन द हिंदी सिनेमा, जिस फिल्म के सेट में आपको मज़े आ रहे हैं ना, वो फिल्म चलती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और हम लोग एक दिन सेट पे भी ये बात कर रहे थे। सो एज अ प्रोड्यूसर दुख का तो पता नहीं, हम लोगों ने मज़े बहुत किए, देर वॉज नो हायरार्की कि हीरो यहाँ घूमेगा, विलन वहाँ घूमेगा, ये वहाँ होगा, सब एक साथ हो रहा था। सो एज अ प्रोड्यूसर आई हैड सो मच फन मेकिंग पीपल हैव फन, वी वर लाइक बहुत मज़े आए। जैसे कहते हैं कि सुबह सुबह दफ्तर जाओ तो मन करना चाहिए, बहुत ठंड होती थी, हम लोग सुबह सुबह उठ जाते थे एक्साइटमेंट की, आज बहुत ठंड होने वाली है। सो ऑल दिस वॉज अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन एंड आई प्रॉमिस यू आई एंजॉयड इट थरली।